यानी आप में से जो स्टूडेंट इस सेशन के एंड तक भी नहीं रह पाएगा उसमें पढ़ाई करने की हिम्मत ही नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो टॉपर्स हैं वो शायद 9th क्लास से या 8th क्लास से या और भी पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, राइट? बता रहा हूँ कि ऐसे सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो 8th 9th से शुरू करते हैं और हैं टॉप 100 में जो लेके आते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th और 12th में ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ले शुरू किया तो उसको ही एडवांटेज होगा। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से आँख से निकाल देना, ये बहाना, ये एक्सक्यूज अपने दिमाग से निकाल देना कि ऐसा करना होगा, राइट? मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 100 में तो आई नहीं सकती, तो वो चीज़ दिमाग से मेंटल बैरियर निकाल दो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ही सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं वो रैंक अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो कोई और कैसे करवा सकता है, ये वीडियो कैसे करा सकता है, ये सेशन कैसे करा सकता है, राइट? तो सबसे पहले आपको खुद में बिलीफ होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ विद द एक्सपीरियंस कि यस यू कैन डू इट, राइट? अगर किसी को 100 रैंक लेके आनी है तो समझ रहे हो कितने लोग, समझ रहे हो, 999,900 को पीछे छोड़ना है यार, तब जाके वो 100 में रैंक लेके आएगा। तो कैसे हो पाता है, कैसे? तो सीधी बात है यार, सभी जानते हैं इसमें हार्डवर्क तो चाहिए होता है, लेकिन हार्डवर्क तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो एक बात से तो एग्री करते हो ना कि हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मतलब 2 साल डिसिप्लिन हार्डवर्क तो चाहिए, ये बात से एग्री करते हो क्या? यानी जो स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं करेगा, डिसिप्लिन वे में नहीं रहेगा, उस लेवल पे अचीव कैसे कर पाएगा? अगर आपको टॉप मोस्ट लीग में रहना है, अगर आपको टॉप लेवल पे रहना है, तो भाई उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, हमें स्मार्टली काम करना होता है, यानी जो समय हमारे पास है अवेलेबल उस समय को हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैटर करता है। 100 में सब लोग आते नहीं, आप जानते हो, ठीक है? तो सबके लिए बना भी, तो लेट्स सी।